आज दी मेरी वीडियो फंड रिक्वायर्ड फॉर साउथ कोरिया स्टडी वीजा फंड किन्ना चाहिए जिन्होंने साउथ कोरिया का स्टडी वीजा अप्लाई करना है। सब तो मेन चीज थोनू फंड बारे पता होना जरूरी है। हुण अपने माइंड दे बेच जां आपनूं लगता है कि मैं डी टू वीज़ा अप्लाई करना है या डी फोर वीज़ा अप्लाई करना है जां मैं लैंग्वेज कोर्स दे लई नहीं जाना, पर पहला थोनू इन्हां गल्लां दा ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जे थोनू इन्हां गल्लां दा ध्यान नहीं हैगा फिर अप्लाई कर दोगे फिर एंड ते प्रॉब्लम आऊगी। देखो एक होंगे डी टू वीज़ा, एक होंगे डी फोर वीज़ा। डी टू वीज़ा होंगे जिन्होंने बैचलर करनी है, जिन्होंने मास्टर करनी है, जिन्होंने पीएचडी करनी है, जिन्होंने मेन कोर्स दे विच एडमिशन लेनी है। जिहड़ा कोर्स थोड़ा इंग्लिश मीडियम दे विच होगा वो उन्हां दी कोरियन लैंग्वेज दे विच नहीं होगा। जिहड़ा वो कोर्स होगा उस कोर्स की जिहड़ी ड्यूरेशन है तुहानूं पता है कि बैचलर 3 साल की या 4 साल की भी होंदी है, मास्टर 2 साल की होंदी है, ठीक है। सो इस कोर्स दे लई तुहानूं किन्ना फंड चाहिए एंड डी फोर दे लई जिहड़ा लैंग्वेज कोर्स हुंदा है जिहड़ा आपां उत्थे जाके कोरियन लैंग्वेज करना है वह किन्ने टाइम का कोर्स हुंदा है, की सिस्टम है, इस वीडियो विच मैं हर एक चीज़ क्लीयर करूँगा। जिन्होंने डी फोर वीज़ा अप्लाई करना उन्हों की जी फीस आती है वह आती है 3.5 लाख रुपया 1 साल की। हर एक यूनीवर्सिटी का अलग अलग प्रोसैस है, अलग अलग स्टैप है, तो हर एक यूनीवर्सिटी का अपना अपना प्रोसीजर। 3.5 लाख तो लैके 3 तो लैके 3.5 लाख रुपये तुम मनो कि फीस आओगी जिहड़ी कि 1 साल की होंगी है। आपां जिहड़ा फंड शो करना हुंदा है इस फीस तो नीयर अबाउट 3 गुणा होना जरूरी है, क्योंकि एक तो तुसीं उत्थों दी नैक्सट ईयर दी फीस कट सको, जिवें कि 3.5 लाख रुपया फीस आ गई, दैन भी तुसीं 3.5 लाख रुपये फीस पे करो कर सको एंड उस तो बाद तुसीं उत्थों दा लिविंग ऑफ एक्सपेंसिव भी तुसीं कट सको। सो जिहड़ा फंड शो करना है, फंड शो इस तो 3 गुणा करना होंगे, तो जे 3.5 लाख फीस आई है तुसी फंड नीयर अबाउट 9 तो लैके 10 लाख रुपया फंड शो करना है डी फोर वीजे दे लई। हुण क्लाइंट नहीं समझ आउंदी, हुण जदों असीं कहने आ जी 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए है, कहणगे जी सर ने तो सानूं आए क्या सी, फ्रैश चल जाती है। सो फ्रैश बैलेंस चल जाता जिहड़ा तुसी उहदे विच बैलेंस पाया है, पर बैलेंस का प्रूफ होना जरूरी है कि बैलेंस कितों आया, बैलेंस चेक थ्रू पाना जरूरी है। जो तक फाइल थोड़ी एम्बेसी में जाऊगी वो तक आप ही 2-3 महीने आराम नाल ही हो जाएंगे। सो बैलेंस फ्रैश चल जूगा, बट जिहड़ी स्टेटमेंट है वह एटलीस्ट 6 महीने की होवे, ये ना हो कि तुसी नवा अकाउंट ओपन करा लिया उहदे विच तुसी कह दो कि हुण मैं 6 महीने स्टेटमेंट कितों लैके आ। जिहड़ा डी टू वीजा है उस दे लई जिहड़ी फीस आउंदी है वह 5.5 तो लैके 6 लाख रुपये तक फीस आउंदी है। जे आपां फंड की गल करांगे 16 तो लैके 18 लाख रुपये फंड चाहिए डी टू वीजे दे लई। सो जे थोड़े कोले 16 तो लैके 18 लाख रुपये फंड हैगा फिर तुसी अप्लाई करो डी टू वीज़ा, जे थोड़े कोले इन्ना फंड नहीं हैगा फिर तुसी अप्लाई करो डी फोर वीज़ा, जे थोड़े को आईलैट्स नहीं हैगी फिर तुसी अप्लाई करो डी फोर वीज़ा। आईलैट्स तो बिना अप्लाई होगा क्योंकि वह लैंग्वेज कोर्स है, डी टू वीजे इंग्लिश दे विच कोर्स है, उहदे लई सानू आईलैट्स चाहिए है 5.5 बैंड एटलीस्ट होने जरूरी है, उस तो बिना अप्लाई नहीं होंदा। ईवन कि जे थोड़े 6.5 या 7 बैंड हैगे है फिर भी वह की होंगे कि 5 लैवल या 6 लैवल के बराबर होंगे, जिमें कि टॉपिक कर लेने हैं सो टॉपिक का लैवल होंगे उस 6 लैवल तक होंगे, मतलब कि उस लैवल तक तुसी अपनी स्कॉलरशिप लै सकते हो। जिहड़ी तुहाडी फीस है फिर 3 तो लैके 4 लाख रुपये तक भी रह जूगी एंड उस दे विच पर तुसी फंड भी बहुत घट शो करना है, पर फिर भी डी टू दे विच जे तुहानूं अपना स्कॉलरशिप नहीं मिली फिर तुहानूं फंड शो करना पऊगा।
डी टू वीजे दे लई जे थोड़ी आईलेट्स कीती हुई है बहुत चंगी जी प्रोफाइल है थोनू इस डी टू वीजे लई सोनू स्कॉलरशिप मिल सकती है पर एक गल ध्यान रखे आईलेट्स होनी जरूरी है बिना आईलेट्स तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती एंड परसेंटेज भी थोड़े मैरिट बेस से भी होंगी है जो थोड़े मैरिट चंगे है उस बेस से भी स्कॉलरशिप मिलती है जिन्हें कैंडीडेट को स्कॉलरशिप मिलती है उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी फंड शोट नहीं करने की जरूरत वो सीधा डायरैक्ट साउथ कोरिया डी टू वीजे जा सकते हैं जिन्होंने आईलैट्स के साढ़े पांच बैंड लाए ने वो नॉर्मल डी टू वीजा अप्लाई होगा पर उन्होंने मैं दसिया कि फंड शो हो पर उस मैं सूँ कहूँगा कि डी फोर वीजा अप्लाई करो जो लैंगुएज कोर्स होंगे लैंगुएज कोर्स के छे महीने का कोर्स है उसे जाके छे महीने स्टडी करनी है एटलीस्ट छे महीने का होना जरूरी है पर साल का भी लो उ जाके डी टू वीजे में कन्वर्ट कराओ क्योंकि उत्थे जाके एग्जाम देना पेगा लैंगुएज का जिहड़ा कि टॉपिक होंगे एटलीस्ट थोड़े थ्री लैवल तक थोड़े स्कोर होने जरूरी है दैन थोनू नियर अबाउट कुछ ना कुछ थोनू मतलब कि 20% 30% सोनू उतों की ट्यूशन फीस है जी रिडक्ट हो जूगी जे थोड़े सिक्स लैवल तक हो जाते हैं दैन थोड़ी सारी की सारी ट्यूशन फीस माफ हो जूगी ईवन के जो तुम फंड शो करोगे फंड शो करने के इनकम टैक्स दी रिटर्न 3 साल दियाँ जे तुम नहीं भरिया हुई प्रभाव थोड़ा MSME का डाकूमेंट MSME उ चीज़ लिखानी है जिहड़ा थोड़ा बिजनेस है जे थोड़ा कोई बिजनेस नहीं है दैन तुम अपने बिजनेस के नाम से MSME बनाओ ज उस रिगार्डिंग बनवाओ एंड उस ही नाम का कॉम्पीटिशन के लैटर लिखा जी कॉम्पीटिशन होंगी ITR के कोई जरूरी नहीं कि थोड़िया ITR टैक्सेबल है या नहीं है डाकूमेंट सारे बहुत ज़्यादा जरूरी ने यह सारे डाकूमेंट थोड़े होने जरूरी ने इनकम प्रूफ हो गया एंड जे थोड़े कोई जमीन है जो एग्रीकल्चर करते हो जे फर्म लगन गए फर्द लगेगी जॉब करते हो थोड़े इनकम प्रूफ लगेगा ITR तो बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं भरिया हुई ITR भरिया जाएगी फ्रैश बैलेंस चल जाता है सो दूजी चीज़ ये है डी टू वीजे के लिए 2 इनटेक होंगे जिमें कि एक तो 1 सितंबर इनटेक 1 फरवरी इनटेक ठीक है हम 1 सितंबर इनटेक नहीं हो सकता डी टू वीजे क्योंकि वो पिछली बार मई के क्लोज हो गया 1/25 क्लोज होया सो 25 तरीक क्लोज सेगा सो इस टाइम जे तुम डी टू वीजे 2 इनटेक ने जे तुम डी फोर वीजे अप्लाई करोगे डी फोर वीजे 4 इनटेक होंगे ने तुम 1 साल के 4 बार अप्लाई कर सकते हो सो वैसे मैं सू सारा कुछ इस वीडियो इको ही स्टैप दस दिता है जे थोनू हजे भी कोई डाउट है जे कोई कुछ रह गया तुसी सानू किसी भी टाइम कॉल करके पूछ सकते हो कई बार इस कई कैंडीडेट नू डाउट है जी मैं टूरिस्ट वीजा अप्लाई करदा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करोगे टूरिस्ट वीजे अप्लाई नहीं होने नहीं मिलने क्योंकि टूरिस्ट वीजे लई प्रोफाइल चाहिए है कि परसन जिहड़ा अप्लाई कर रहा वह वापस आऊगा वापस आने का रीज़न है सो वापस तुसी आना नहीं उत्थे जाके किहड़ा कार्ड हुंदा हो जीवन कार्ड हुंदा जीवन कार्ड अप्लाई करना है ईवन के चाहे वह डी टू वीजा चाहे वह डी फोर वीजा दोनों वीजे दे विच तुसी अपने स्पाउस नू बुला सकते हो स्पाउस नू किवें बुला सकते हो पहला तुसी जाओगे उत्थे जाके तुसी एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड अप्लाई करोगे जिहड़ा कि आफ्टर 3 मंथ तो लैके 4 मंथ विच अप्लाई हुंदा 1200 रुपये की फीस है अपनी इंडियन करंसी के अकॉर्डिंग तो वह बन के आ जाता 45 दिन के उस तो बाद जो आप F3 वीजा होंगे F3 वीजा फैमिली का F3-1 होंगे इंडिपेंडेंट वीजा बच्चे नाल भी ला सकते हो पर बच्चे की एज 18 साल तो घट होनी जरूरी है 18 साल तो एज ज़्यादा नहीं होनी जरूरी दैन तुसी अपने बच्चे नाल ते अपनी वाइफ दे नाल F3 वीजा ला सकते हो ये वीजे का प्रोसैस है बाकी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा अंबैसी का प्रोसैस आ सारी चीज़ें मैं दस चुके हैं सो बाकी मेरे चैनल में लाइक ते शेयर एंड सबसक्राइब करना ना भुल्यो ते मेरी वीडियो में बहुत शेयर करो तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मेरी वीडियो देखने लई सत श्री अकाल जी।